नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज उन तमाम भारत देश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो हमारे मासूम चौकीदार जो लगातार परेशान है, लेकिन भाई साहब क्या है ना कि हमारे भारत देश का जो कानून और व्यवस्था जो नियम है ना, वो ऐसा नियम है कि अब हम कह नहीं सकते। मतलब इनकी जो परेशानी है ये किसी को दिखती नहीं है, इनकी जो प्रॉब्लम है ना वो किसी को नहीं दिखती, चाहे वो नेता हो और चाहे वो हमारे कोई अधिकारी गण हो। पता नहीं का है भाई, ऐसा जिद करे बैठे हो, आश्वासन दे दिए हो, अभी आचार संहिता लग जाएगी 10 तारीख के बाद, तो का ये करेंगे है? तो ये कहा भैया ये लॉलीपॉप खाएंगे हमें, आप ही बताओ। हाँ यार, आप ही से पूछ रहा हूं भाई, वीडियो आप देख रहे हो तो मैं किससे पूछूंगा, तो आप ही बताओ ये 10 तारीख के बाद क्या लॉलीपॉप खाएंगे? अरे भाई कुछ मेहरबान हो जाओ, कुछ तो कर दो इनका भला। तो भाइयों मैं आपको आज बता दूं कि आज हमारे कई कई तमाम चौकीदार भाई बंधुओं का फोन आया मेरे पास, रात में आया, सुबह आया, अभी नाश्ता किया तो आया, लेकिन सबकी मैं एक ही प्रॉब्लम सुन रहा हूं। तो भैया पता है आपको क्या है प्रॉब्लम इनकी? देखो भाई, जो इनका अधिकार है वो तो मिल ही नहीं रहा, जो इनका वेतन मान है, जो इनका वेतन बढ़ने वाला प्रोसेस है वो भी नहीं हो रहा, चतुर्थी श्रेणी का जो राज्य कर्मचारी घोषित करने का जो इन्होंने आवाज अपना बुलंद किया है लोगों के बीच में, वो भी नहीं हो रहा। अब आप सोचिए ये सब हो नहीं रहा, लेकिन भाई साहब इनकी तरफ से कहना है इन तमाम चौकीदारियों का। इसमें से एक चौकीदार बंधु है कादिर खान और एक गुप्ता जी, बहुत सारे ऐसे बंधु हैं, मैं इतने नाम मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन इन लोगों का एक ही चीज का कहना है। पता है क्या कहना है यार? मुझे लगता है कि ये भारत देश के अंदर आखिर हो क्या रहा है। मतलब लोग ना यार किसी की तकलीफ को नहीं समझते हैं, बल्कि अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं और नौकर बना लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश या हो या भारत के अंदर, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं वो इनको जूते के नीचे रखना चाहते हैं, और बहुत कष्ट होता है, मुझे बहुत दुख होता है। इन लोगों ने मुझे बताया कि सर मैं जब मुझे चौकी या थाने में अब मेरे को ड्यूटी दे दी जाती है, तो वहां के जो होमगार्ड भी होते ना वो भी हमसे कहते पानी लेकर आ, ए मेरे लिए खाना लेकर आ। कितनी गलत बात है। इन चौकीदारों में भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल 70 साल की भी हो सकती है। यार शर्म करो। तो मैं तो देखता हूं भारत देश के अंदर ऐसे कई तमाम लोगों को, अमीर जाति लोगों को, जो बहुत अपने आप को रईस समझते हैं, पैसों के घमंड में वो चकनाचूर हो जाते हैं और गरीब की कोई अहमियत नहीं समझते। मैंने ऐसे ऐसे अमीरों को देखा है कि वो पैसा अच्छा कमाते हैं और अपने से 20 साल बड़े बुजुर्ग अगर क्या कोई जॉब करता है या गार्ड होता है ना, तो उसकी ऐसी इज्जत की बकली उधेड़ते हैं ना भाई साहब कि अब हम कह नहीं सकते। हम इन आंखों से देखे हैं, इसलिए आपसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ, आप ही से बोल रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि अक्सर क्या करते हैं ना कि लोग पैसे के घमंड में चकनाचूर हो जाते हैं और उन तमाम जो बेचारे गार्ड की नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं उनको चप्पल के नीचे रखना चाहते हैं। यार आप पैसा देते हो, इसका मतलब यह नहीं होता कि आपके चप्पल के नीचे कोई रहे, आपका गुलाम बन के कोई काम करे। बहुत गलत बात है। उन तमाम चौकीदार जो बंधु हैं उनका कहना है कि इनसे जो एक होमगार्ड भी होते हैं ना वो भी इनसे नौकरी अपनी कराते हैं। तो भाई साहब एक चीज समझ लीजिए, मैं भारत सरकार से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप पहले तो एक किसी नियम कानून को बना दीजिए कि कोई किसी का पर्सनल गुलाम नहीं होता। सरकार की नौकरी अगर करते हैं तो सरकार की नौकरी करते हैं, ना कि मैं अधिकारियों के जूते चप्पल साफ करूं और उनके बच्चों को मैं हगाने मुताने ले जाऊं। भाई साहब मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत कष्ट होता है यार ये मैं सुनता हूं। मैं अक्सर देखता हूं जहां जाओ वहां पर, मैं देखता हूं जाने कितने तमाम लोग परेशान है इस पीड़ा से। हाँ, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो यार, भाई साहब आपका सरकारी काम या प्राइवेट काम करने के लिए बंदा आया है ना, कि आपका खुद का पर्सनल। अगर इतना ही शौक है ना काम कराने का तो पैसा खर्चा करो, और पैसा खर्चा करके ना अपने पास में एक बॉडीगार्ड रख लो, उससे कराया करो। लेकिन अगर ये जो बेचारे काम करते हैं ना कंपनी में, जो ये लोग बेचारे अपना ड्यूटी देते हैं ना सरकार की, तो ये तुम्हारे गुलाम नहीं है कि आप इसे गुलामी कराओगे? ये आपका अधिकार नहीं है कि आप इसे गुलामी कराओगे? ना कोई सरकार कहती है, ना ही कोई बड़ा उच्च अधिकारी कहता है कि आप अपनी गुलामी कराएं। हैं, इनके भी बच्चे हैं, ये भी लोग परेशान है, आप उन उस परेशानी का फायदा उठाते हो।
शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए, इसीलिए तुम्हारी औलादें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि तुम्हें रहम तरस नाम की चीज नहीं है। ये भी बेचारे बाल बच्चे वाले हैं, जरा सोचो, आप सोचो, हाँ आप ही से बोल रहा हूं भैया, आप सोचो कि अगर हमारी उम्र 27 साल है और मेरे से बुजुर्ग कोई हमारे यहां वर्क कर रहा है, यानी 40 साल है, 45 साल है, 50 साल, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो मेरे यहां नौकरी कर रहा तो मैं उसको गुलाम बनाकर के काम कराऊं और उससे कहूं नहीं तुम मेरा पर्सनल काम करो। मैं अपनी बात करता हूं भाई, मैं भी आप लोगों का आसपास एक छोटा मोटा सा बिजनेसमैन हूं, लेकिन हमारे यहां भी बुजुर्गों ने काम किया है, लेकिन कभी नहीं, क्योंकि मैं बुजुर्गों को दादा और बाबा करके पुकारता हूं, उनको यहां ऐसे नौकर नहीं रखता, मैं प्यार मोहब्बत से रखता हूं, दो पैसा वो कमाते हैं और मैं उनकी हंसी और मुस्कान देखना चाहता हूं, मैं खुशी देखना चाहता हूं, और इसीलिए चौकीदार तमाम बंधुओं के लिए मैं साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं इनके चेहरे पर हंसना देखना चाहता हूं, मैं इनके चेहरे पर खुशी और मुस्कान देखना चाहता हूं, जिस दिन मैं ये मुस्कान और जिस दिन मैं ये हंसी देख लूंगा उस दिन मुझे दिल में सुकून मिलेगा कि शायद हमने अपने चौकीदार बंधुओं के लिए कुछ कर पाए। मैं उन तमाम चौकीदार बंधुओं से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग पहली बात तो संगठित रहिए, अपने एक संगठन को बनाइए, अपने एक ग्रुप को बनाइए, उस ग्रुप में आप एक साथ जुड़िए, अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को कहिए, तभी जाके भला हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरे जो गुलामी कराते हैं ना, ये नहीं बर्दाश्त होता। मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, मैं जिला अधिकारी जो हमारे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देने की कृपा करें, क्योंकि ये भी बाल बच्चे वाले हैं। भाई साहब ज्यादा दूर मत जाइए, अब ये वाला वीडियो देखिए, सामने में देखिए, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक महिला जो कि चौकीदार की धर्मपत्नी है, और वो महिला चूल्हे में रोटियां बना रही है और कपड़े लकड़ी की जगह कपड़े डाल डाल करके। भाई साहब देखिए, ये क्या करोड़पति है, आपको दिखते नहीं, दिखते ना, तो फिर कहे नहीं इनका उद्धार कर रहे हो भैया, ये भैया करोड़पति नहीं है, और बताइए गैस चूल्हा भी नहीं है इनके पास। मैं तो सोचने के लिए बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं, तो मैं सोचता हूं यार ये हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है, अब देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। तो भाइयों ये वीडियो दबा के शेयर कर देना यार, इनकी पीड़ा है, इनका दर्द है, थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, है? हमें क्या ले जाना है ऊपर, हम तो इंसान है, इंसान बनकर के आए हैं, आज नहीं तो कल मरना ही है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ जिससे दुनिया आपका नाम ले, और इनकी दुआएं ले लो। पैसा सब कमाते हैं, दुआ भाई साहब कोई नहीं कमाता, लेकिन अन्नू त्रिपाठी दुआ कमाता है, पैसे की अहमियत नहीं रखता, और जिस दिन पैसे की अहमियत रखूंगा, जिस दिन पैसा कमाने के लिए खड़ा हो जाऊंगा, तो जिस जगह पैर रखूंगा वहां पैसा ही पैसा दिखेगा। लेकिन नहीं, सेवा और मदद भाव करना हमारा धर्म ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी, हमारा फर्ज भी है, और हमें करना चाहिए। तो दोस्तों दबा के शेयर करना, दबा के, है ना, दबा के शेयर करना, अपना कमेंट करना, अपनी जो सलाह है वो देना। नमस्कार, फिर जल्दी मिलेंगे, मैं अन्नू त्रिपाठी, जय हिंद, जय भारत।